सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी, वो भी पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी, है ना कितना कमाल का कॉम्बिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट योर फेवरेट चैनल joblagi.com। joblagi.com में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में वैकेंसियां जो आई हैं, कई सारी जॉब वैकेंसी आई हैं और आप कहीं से भी इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप घर से भी इन वैकेंसी में काम कर सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोफाइल पर वैकेंसी आई है, कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्वालिफिकेशन है, कितनी इसमें सैलरी दी जा रही है, सारी बातें जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल joblagi.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम, बिजनेस आइडिया और प्राइवेट सेक्टर की सारी जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलेंगे डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानेंगे आज इन नौकरियों की सारी जानकारी। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, कई सारी वैकेंसी यहाँ पर आई है, कई सारी पोजीशन पर वैकेंसी आई है। इनमें से कुछ तीन वैकेंसी जो कि इंडिया की लोकेशन की है, मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ और तीनों वैकेंसी में से ऐसी वैकेंसी हैं कि अगर आप 12th पास हैं और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप घर से काम करना चाहते हैं तो भी आपके पास वैकेंसी है और अगर आप स्किल्ड हैं तो भी आपके पास वैकेंसी है। तो गाइस, सबसे पहले जो वैकेंसी है जो कि आपकी पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में आई है, ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट की प्रोफाइल की वैकेंसी है। जी दोस्तों, यहां पर सैलरी डिस्क्लोज नहीं करी गई, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बैंगलोर लोकेशन की ये वैकेंसी है और दिल्ली NCR लोकेशन की वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने पहले कस्टमर सपोर्ट में पहले कहीं काम किया है, देखिए बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ में, बैंगलोर जैसी बड़ी सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो हैं ये 12th के बाद ही BPO सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार की सैलरी भी कमाते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जो है वो करते रहते हैं। तो गाइज, अगर आपने पहले कहीं काम किया हो एज एन कस्टमर सर्विस एसोसिएट और अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आपको आनी ज़रूरी है और साथ ही में आपको जो काम करना होगा बेसिकली कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का करना होगा, सर्विस एसोसिएट का काम करना होगा, यानी कि जितने भी इनकमिंग कॉल्स, चैट या मेल्स आते हैं उनको आपको प्रॉपरली रिप्लाई करना होगा और फ्लेक्सिबल जो होगी आपकी शिफ्ट होगी, यानी कि आपको रोटेशनल शिफ्ट मिलेगी, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना होगा। तो गाइज, आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई भी कर दीजिए। सेकेंड वैकेंसी आपकी जो कि पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में ही है दोस्तों, ये बेसिकली जो वैकेंसी है मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने MBA किया है, HR की डिग्री ली है और अब वो अपना करियर जो है किसी बड़ी कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जो है बनाना चाहते हैं। तो गाइज, ये बेसिकली HR की प्रोफाइल की वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोफाइल की वैकेंसी है। तो आप गाइज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ डिस्क्लोज नहीं करी गई। मैं आपको बता दूँ कि बड़ी कंपनी अपनी सैलरी जो है डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन कई अच्छा पैकेज जो है एज कंपैरेटिवली टू अदर्स कंपनी वो आपको अच्छा पे स्केल जो है वो देती हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही कम रिक्वायर्ड है। अगर आपने अभी अभी MBA किया है, आपने पहले इंटर्नशिप की है अपने सेकेंड ईयर में या थर्ड सेम में HR से, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने MBA नहीं किया, BCom की है और आपने HR जर्नलिस्ट का काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं। हाँ, डिग्री मैटर करती है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है आपकी स्किल्स। डिग्री इसलिए मैटर करती है गाइस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं अगर आपने उस लेवल की पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं आपकी वो निखर के आएंगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकेंगे। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स। अब अगर आपने MBA किया है, पढ़ कर क्या है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पढ़ करके नहीं आए हैं लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के आए हैं,
हैं, आपने ग्रेजुएशन के बाद किसी बड़ी कंपनी में एचआर जर्नलिस्ट का काम किया था जहां पर आप 50% काम जो है एचआर का कर रहे थे खुद से, तो आपको यहां पर चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप यहां पर एज एन एचआर रिक्रूटर की पोस्ट पर काम कर सकेंगे। तो गाइज यहां पर नोएडा लोकेशन की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें MBA जो है वो रिक्वायर्ड है और लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश और हिंदी जो है यहां पर आपको आना जरूरी है। गाइज यहां पर आपको जो काम करना होगा ये एचआर का काम करना होगा, यानी कि आपको कंपनी के जितने भी जो लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो हायरिंग चलती है उनको आपको रिक्रूट करना होगा, उनकी सैलरी आपको बनानी होगी, सारा काम जो एक बेसिक एचआर का रहता है वो आपको देखना होगा। तो गाइज डीप में आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं, एक एक डिटेल्स मैंने आपको यहां पर दे दी है। देन अगर आपको लगता है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं www.joblogi.com से। डायरेक्टली आप जाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं और ये आज ही अपना रिज्यूमे डायरेक्टली पेटीएम कंपनी में अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी कि आप इन वैकेंसी के लिए कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट वैकेंसी और जान लेते हैं जो कि आपकी आज की ही डेट की है जो कि पेटीएम कंपनी में निकली है। गाइज ये जो वैकेंसी है आपकी कंटेंट राइटर की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेटीएम में वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी। कंटेंट राइटिंग की जो है आपकी वैकेंसी है, प्रूफ रीडिंग की वैकेंसी है और बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बैंगलोर लोकेशन, दिल्ली NCR लोकेशन की वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है और लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी जो है आपको आना ज़रूरी है। गाइज आपको जो काम करना होगा ये कंटेंट राइटिंग का काम करना होगा, यानी कि आपको प्रॉपरली जो कंटेंट है अलग अलग चीज़ों पर वेबसाइट के लिए हो सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए हो सकते हैं, वो आपको लिखने होंगे और प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो करनी होगी। गाइज अगर आप इनमें से किसी भी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे फिर वो कंटेंट राइटर की हो, चाहे फिर वो एचआर की हो, चाहे फिर वो कस्टमर सपोर्ट की हो, आपको करना क्या है बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली इस लिंक को जो मैंने आपको www.joblogi.com पर दिया है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पर देख सकेंगे कि यहाँ पर इतनी सारी जो वैकेंसियाँ हैं, बेसिकली ये कंटेंट राइटर की पोस्ट है, यहाँ से ये पेटीएम की ही वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे अटैच करना होगा, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, करंट कंपनी नेम जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना रिज्यूमे नहीं बनाया, अब यहां पर आपको रिज्यूमे तो डालना ही है, तो अभी तक अगर आपने अपना रिज्यूमे नहीं बनाया तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं www.joblogi.com से। सो गाइस अगर अभी तक आपने अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं बनाया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी वाटरमार्क के, बिना किसी चार्जेस के www.joblogi.com से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली आपको विजिट करना है joblogi.com और यहां पर आप इस पॉइंट पर ये देख सकते हैं ग्रीन बटन जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन सिग्नल है आपकी प्राइवेट जॉब का। सबसे पहला स्टेप है ये आपकी प्राइवेट सेक्टर नौकरी का, तो इसको क्लिक करना है, यानी कि मेक योर रिज्यूमे पे आपको क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है। देन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास एक इस तरीके का फॉर्म जिसमें आपको कुछ डिटेल्स जो कि आपकी रिलेटेड होंगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, एजुकेशनल से, एक्सपीरियंस से और अदर डिटेल्स से। तो गाइज आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल आईडी देनी है, फादर्स नेम देना है, सिटी देना है और आपकी अपनी जो फोटो है एक सुंदर सी फोटो, प्रोफेशनल फोटो आपको यहाँ से चूज करनी है। साथ ही साथ आपको अपना प्रोफेशन बताना है कि किस प्रोफेशन के लिए आप अपना रिज्यूमे बनाना चाहते हैं। देन इसके बाद आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आपको डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपकी ऑब्वियसली बात है कि आपने 10th में क्या किया है, 12th में क्या किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन इसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कितने साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस है और अदर डिटेल्स पर फिर आपको अपनी हॉबीज बतानी है, अपनी स्किल्स बनानी है। जब आप ये सारी चीज़ें भरेंगे बिना किसी वाटरमार्क के, बिना किसी चार्जेस के www.joblogi.com से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकेंगे। सो गाइज इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, आज ही विजिट कीजिए www.joblogi.com और आज ही पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में रिक्रूटमेंट बताई। कुछ वैकेंसी कंटेंट राइटर की है, कुछ एचआर की वैकेंसी है, कुछ कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट की है। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करना है, डायरेक्टली अपना रिज्यूमे कंपनी के एचआर को सेंड करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।